हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। और तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप बीएड के अभ्यर्थी हों या फिर डीएलएड के, अभी सारे लोग एलिजिबल हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज उत्तर प्रदेश शासन का एक यहाँ पर प्रोग्राम था, जिसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके अभिभावकों को 1200 रुपये की जो धनराशि है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई थी। आपको पता ही होगा, बुक्स वगैरह तो स्कूल से ही मिल जाती हैं, बाकी जो ड्रेस वगैरह होती है और जो थोड़ा सामान वगैरह होता है, किताब कॉपी वगैरह, ठीक है, जो कुछ भी फिलहाल होता है फिलहाल, उसमें 1200 रुपये की जो सहायता राशि है वो बेसिक के प्राथमिक के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को ये जो राशि थी वो आज दी गई थी। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम था जो कि ऑनलाइन भी इसका प्रसारण किया गया था, ठीक है, दूरदर्शन पर। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई, इसमें बेसिक शिक्षकों के यहाँ पर जो भर्ती है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है वो आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के केवल 11 जिलों में ही 25,000 के लगभग जो वैकेंसी है वो खाली है, इनकी जो पद हैं वो रिक्त हैं। इसी तरह से अगर 75 जिलों की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर ये जो आंकड़ा है वो निकल जाता है। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर क्या क्या के टाल दिया वो भी अभी यहाँ पर आगे आपको बताएंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 1200 रुपये की धनराशि का अंतरण कार्यक्रम 19 जुलाई 2023 को ये यहाँ पर जो प्रोग्राम था वो हुआ था। और इसमें उत्तर प्रदेश के CM माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये बताया गया कि विगत 6 वर्षों में, पिछले 6 वर्षों में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में 1,64,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो बिना भेदभाव के संपन्न हुई है, पूरी तरह से निष्पक्ष संपन्न हुई है, ठीक है, ये इनका कहना है। और जो लोग रिटायर हो रहे हैं, टीचर्स हों या फिर अदर वैकेंसी हों, जहाँ जहाँ पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर निरंतर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि भर्ती प्रक्रिया आखिर चल कहाँ पर रही है, ठीक है, अपारदर्शी तरीके से चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है, तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल बेसिक शिक्षकों में भी, बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, उनमें प्रत्येक वर्ष हज़ारों जो टीचर्स हैं वो रिटायर होते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई जो भर्ती प्रक्रिया है वो पिछले 6 वर्षों से दिखाई नहीं दी है। 6 साल पहले, 5 साल पहले जो भी भर्ती हुई थी, 5 सालों से लगातार वही चीज़ को लिख कर यहाँ पर दिखा दिया जाता है। और यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि विगत 6 वर्षों में इतने जो शिक्षक हैं वो इन्होंने शिक्षक की भर्ती की है, लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती है उस पर मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब नई शिक्षक भर्ती उनका देने का जो मूड है वो इस समय नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दिखा देते हैं जो कि RTI के माध्यम से ये सूचना यहाँ पर आई है। आप देख सकते होंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की ये जो जानकारी है वो दी गई है। RTI के माध्यम से प्राप्त जो डेटा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सिद्धार्थनगर जिले की बात करें तो 3,683 पद रिक्त हैं, कुशीनगर में 3,171 पद रिक्त हैं इस समय बेसिक शिक्षकों के। इसी तरह से गोरखपुर जिले की बात करें तो 2,767 पद रिक्त हैं। इसी तरह से बस्ती में 2,516 और चंदौली में 1,549। इसी तरह से यहाँ पर नीचे और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 11 जिलों की संख्या यहाँ पर बताई गई है जिसमें पद रिक्त हैं। और इसके अलावा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो बेसिक शिक्षकों के इस समय रिक्त हैं। कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, किस वजह से, केवल इसी वजह से कि वहाँ पर कोई जो टीचर है वो पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं है। कई सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर केवल और केवल एक टीचर है, एक ही शिक्षक है जो कि सारे बच्चों की जिम्मेदारी उस पर है। ऐसे जो यहाँ पर समाचार हैं वो लगातार आपको न्यूज़पेपर में भी देखने के लिए मिलते रहेंगे और आपके आसपास भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा कि कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती है वो नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बलरामपुर की संख्या दी हुई है, फिरोजाबाद की ये संख्या दी हुई, जालौन की ये, बाकी संत कबीर नगर यहाँ पर ये दिया हुआ है, चित्रकूट की संख्या ये, जौनपुर की ये। इस तरह से अगर ये 11 जनों की अगर संख्या देखें तो 24,451 यानी कि लगभग 25,000 पद इस समय बेसिक शिक्षकों के रिक्त हैं केवल 11 जिलों में। ये जो डेटा है केवल 11 जिलों का है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, टोटल 75 जिले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर एक जिले से 1,000 की संख्या भी देखी जाए
तो 75,000 वैकेंसी तो ऐसे ही हो जाती है। और हर ज़िले में आप देख लीजिए, कहीं 2,500 पद रिक्त है, कहीं 2,000, कहीं 1,500, ठीक है, सभी में 1,000 से ऊपर ही है। तो ऐसे में जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो कम से कम 1 लाख पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती निकालना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी पिछले 6 वर्ष से ये जो दंश झेल रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती ना आने से, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर मायूस हैं, लाखों रुपए का कोर्स करके वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो केवल इसीलिए इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं क्योंकि इस कोर्स को केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही एलिजिबल किया गया है। अगर और कहीं पर एलिजिबल किया गया होता तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पर सिलेक्शन ले लेते, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वो तो आपको पता ही होगा कि BS की भर्ती 6 मंथ पहले हुई थी, उसका अभी कुछ अता पता नहीं है कि वो कौन से ज़माने में चली गई है, ठीक है, और कब उसका क्या होगा उसका कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं है। अब वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि पड़ोसी राज्यों में लगातार भर्ती आ रही है, राजस्थान हो गया या बिहार हो गया या अदर सारी स्टेट हो गई, उनमें लगातार बड़ी बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि पड़ोसी राज्य में इतनी सारी भर्तियां हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सूखा छा गया। तो ये जो पूरी देन है ये उत्तर प्रदेश सरकार ही की है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाले, वो भी कम से कम 1 लाख पदों पर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लगातार अपना पुराना वाला जो संख्या है वो लगातार बताते रहते हैं कि वही 1,37,000 ये टीचर हो गए, बाकी माध्यमिक में इतनी भर्ती कर दी उन्होंने, हो गया उनका 1,64,000 का आंकड़ा पार, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि पिछले 5 वर्षों से जो भर्ती है वो नहीं आई है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अभी DL Ed और जो BEd है वो लगातार कर रहे हैं। फिलहाल अब ये देखने वाला समय में ही पता चल पाएगा, आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आती है और क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले भर्ती आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। फिलहाल यहाँ पर लोकसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में भी लाखों स्टूडेंट्स जितने भी DL Ed BTC किए हुए हैं, TET CTET पास, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान हैं, विधानसभा चुनाव में आस लगाए हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि वो दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन जीत गई और कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी एक बार फिर से आप केवल उम्मीद ही की जा सकती है, वैसा तो है नहीं कहीं किसी से आप सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पर तैयारी बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।